हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेज ऑफ साजिद सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। प्यारे बच्चों, अपन रिपोर्ट राइटिंग में एन एक्सीडेंटल रिपोर्ट सीख रहे थे और इससे पहले अपन रिपोर्ट ऑन इवेंट सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि रिपोर्ट ऑन इवेंट से रिलेटेड जितनी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर पोस्ट की है उन सभी वीडियोज़ को आपने वॉच कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है तो उन सभी वीडियोज़ के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को एक एक करके वॉच कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं कि हर बार एग्जाम में एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट पूछी जाती है और अब की बार एक्सीडेंटल जो रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना है वो रहेगी ट्रेन एक्सीडेंट। क्योंकि बच्चों, लास्ट ईयर जो रिपोर्ट पूछी गई थी वो रोड एक्सीडेंट पे थी, सड़क दुर्घटना पे थी। तो सड़क दुर्घटना की यानी कि अब की बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है, फिर भी अगर रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट आ जाती है तो अपन इसी रिपोर्ट के माध्यम से समझ लेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छे से लर्न हो गई तो आप रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिख सकते हो, कार एक्सीडेंट की लिख सकते हो, बस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिख सकते हो। बस थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, चेंजिंग करनी होगी। तो अपन एक्सीडेंटल रिपोर्ट में अब तक ए हाउस ऑन फायर पर रिपोर्ट सीख चुके हैं। चलो आज की रिपोर्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप कोई भी रिपोर्ट लिखे तो आपको जो भी कॉपी मिले उसके ऊपर ऊपर क्या लिखोगे, रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे। और रिपोर्ट राइटिंग लिखने के बाद आप क्या करोगे, जिस रिपोर्ट को आप लिख रहे हो, रिपोर्ट ऑन इवेंट लिख रहे हो या एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिख रहे हो, उसका जो भी टाइटल है वो टाइटल आप कैपिटल लेटर में लिख दोगे। जैसे आज अपन क्या कर रहे हैं, ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट, एक गंभीर रेल दुर्घटना। तो आप इस तरह से जैसे मैंने लिखा है कैपिटल लेटर में, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कैपिटल लेटर में क्या कर देना, टाइटल लिख देना। और उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में जो रिपोर्ट लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा, बाई महेश कुमार, मतलब बाई लगा करके ये कौन है महेश कुमार, यानी रिपोर्टर जो रिपोर्ट लिख रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले टाइटल डालिए, बाद में बाई महेश कुमार लिखिए। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि अब तक अपन बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ चुके हैं और आपको रिपोर्ट लिखने का जो एक पैटर्न है वो समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से अपन को रिपोर्ट स्टार्ट करनी होगी। तो अब देखिए, अब आगे क्या लिखोगे, जिस जगह की रिपोर्ट है उस जगह का नाम लिखिए, पैलेस लिखिए। जैसे रिपोर्ट कहाँ किया, ट्रेन एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, चूरू में हुआ है, तो आप चूरू लिख दीजिए, कोमा लगाइए और रिपोर्ट लिखे जाने की तारीख लिखिए। जैसे 24 अप्रैल 2021, तो चूरू 24 अप्रैल 2021। जैसे अपन ने रिपोर्ट ऑन इवेंट किया था, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है बच्चों, स्टार्ट करना है। अब देखिए, अपन रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं, क्या लिखोगे सबसे पहले। जैसे रिपोर्ट ऑन इवेंट में अपन ने सबसे पहले टाइटल लिखा था, टाइटल से स्टार्ट किया था, उसी तरह से अपन एक्सीडेंटल रिपोर्ट में भी टाइटल से स्टार्ट कर देंगे। जैसे क्या लिखेंगे, ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट, एक गंभीर रेल दुर्घटना, टुक पैलेस घटित हुई। अब ऑन कब घटित हुई, जिस तारीख को आप लिख रहे हो उससे एक दो दिन पहले की तारीख लिख दीजिए, ऑन 23 अप्रैल 2021 को। नियर कहाँ घटित हुआ ये रेल दुर्घटना, नियर चूरू जंक्शन के नज़दीक, एट अबाउट लगभग कितने बजे, 4 AM लगभग 4 बजे। तो बच्चों, आपको इस तरह से स्टार्ट करना है। अगर बाई चांस बस एक्सीडेंट का आ जाए, कार एक्सीडेंट का आ जाए, तो आप ए सीरियस बस एक्सीडेंट टुक पैलेस घटित हुआ ऑन 23 अप्रैल 2021 को नियर चूरू बस स्टैंड, एट अबाउट लगभग कितने बजे, 4 AM। तो इस तरह से आप कोई भी यानी कि रिपोर्ट आ जाए, एक्सीडेंटल रिपोर्ट आप शुरू कर सकते हो। अब अपन कर रहे हैं ट्रेन एक्सीडेंट पे, तो अपन किससे संबंधित बातें लिखेंगे, ट्रेन एक्सीडेंट से संबंधित बातें लिखेंगे। अब देखिए, द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी जो एक्सप्रेस थी वो वेंट ऑफ हो गई। यहाँ पे बच्चों ओ डबल एफ लिखना है, टाइप में मिस्टेक हो गई, तो आप क्या लिखोगे, द राजधानी एक्सप्रेस वेंट ऑफ द ट्रैक, मतलब ट्रैक से नीचे उतर गई, रेल की जो पटरी थी उससे नीचे उतर गई, एंड द इंजन एंड 6 फ्रंट बोगीज, और रेल के जो इंजन था और 6 आगे की बोगीज थी, डिब्बे थे, वर डीरेल्ड, वो डीरेल हो गए, मतलब क्या है, पटरी रहित हो गए, वो भी पटरी से नीचे उतर गए। तो आप किस तरह से लिखोगे कि ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट टू पैलेस, एक गंभीर रेल दुर्घटना घटित हुई, कब, 23 अप्रैल 2021 को, किसके नज़दीक, चूरू जंक्शन के नज़दीक, लगभग 4 बजे। और होता क्या है, राजधानी एक्सप्रेस वेंट ऑफ हो गई, ओ डबल एफ लिखना है, उतर गई किससे, ट्रैक से,
यानी पटरी से एंड इंजन एंड 6 फ्रंट बोगीज, और रेल का जो इंजन और 6 आगे के जो बोगीज थे, डिब्बे थे, वो भी डीरेल हो गए, पटरी से नीचे उतर गए। अब इससे क्या हुआ देखिए, देर वॉज ए ग्रेट लॉस, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देर वर ओनली क्राइज एंड श्रिक्स, और वहाँ पे केवल चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्राइंग इन पेन, मेन वुमेन और बच्चे क्या कर रहे थे, दर्द में चीख रहे थे। ये आप लाइनें लिख दोगे, मतलब क्या है, आपको दुर्घटना का दृश्य लिखना है, वहाँ के लोगों की क्या हालात थी। अब क्या होता है, 20 पीपल वर किल्ड, और इस रेल दुर्घटना में 20 लोग हैं वो मारे गए, एंड अबाउट 200 पीपल, और लगभग 200 लोग वर इंजर्ड, वो घायल हो गए इन दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के अंदर। अब आगे क्या लिखोगे, द इंजर्ड वर टेकन, जो घायल थे उसको टेकन ले जाया गया टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, पास ही के हॉस्पिटल में ले जाया गया, और द गवर्नमेंट है इज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही है इट्स बेस्ट टू हेल्प, वह अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, बेस्ट हेल्प करने की कोशिश कर रही है द विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट, मतलब क्या है, जो एक्सीडेंट के जो शिकारी थे, पीड़ित थे, उसकी यानी हेल्प करने में अपना गवर्नमेंट है वो बेस्ट कर रही है। और इसके लिए अब जो दुर्घटना हुई है, इसमें एन इंक्वायरी कमिटी हैज़ बिन सेटअप, कि एक जाँच आयोग है वो बिठाया गया है टू फाइंड द काजेज, क्या पाने के लिए, काजेज ऑफ द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट का यानी कि कारण पता करने के लिए। तो बच्चों इस तरह से अपनी ये एक्सीडेंटल रिपोर्ट हुई, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं